हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगीराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला ऑफ द मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गोली दर्पण सूत्र क्या होता है, इसकी आवर्धन क्या होती है। तो देखते हैं, गोली दर्पण सूत्र, ठीक है ना। तो ये है गोली दर्पण सूत्र, एक बटे एफ इक्वल टू एक बटे वी प्लस एक बटे यू, जहां एफ इक्वल टू फोकस दूरी, ठीक है ना, और फोकस दूरी उत्तल और अवतल दर्पणों के लिए क्या होती है। उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है और अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है। U जो होता है वस्तु की दूरी होती है और निगेटिव होती है हमेशा, और V जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है और ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा चिन्ह क्यों लिए गए हैं, तो थोड़ा सा हम चिन्हों पर भी ध्यान देंगे। देखिएगा, ऐसे थे अवतल और उत्तल दर्पण, तो ठीक है ना। तो देखिएगा, ये वैल्यू लेफ्ट है और ये राइट है, और लेफ्ट की वैल्यू निगेटिव होती है, तो एफ निगेटिव हो जाएगा या वक्रता त्रिज्या निगेटिव हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो ये राइट में आ रहा है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव। तो इस तरह से इनके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक लिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसकी आवर्धन क्या होती है, एम इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू, यानी प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को गोली दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। दोनों ही करेक्ट है, तो हम दोनों को एक साथ लिख दें, माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, तो ये भी एक संबंध होगा। ध्यान दीजिएगा, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को गोली दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी गोली दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इनके द्वारा किरण आरेख क्या हो, किरण आरेख, तो उत्तल और अवतल द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा, और एक तरफ हम कर देते हैं उत्तल दर्पण द्वारा, तो इनके द्वारा कैसे किरण आरेख बनते हैं हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये विभिन्न स्थितियां हैं इनकी। पहले हम अवतल दर्पण के लिए डिस्कस करते हैं, ये तो अवतल दर्पण की ये दो स्थितियां हैं और ये सी, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अवतल दर्पण में, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, या फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, या फोकस पर से गुजरती है अवतल दर्पण पर, फोकस पर से आपतित होती है या गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी स्थिति है कि जब ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और तीसरी स्थिति है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो समान कोण पर परावर्तित हो जाती है, कोण I बराबर कोण R, परावर्तन के नियम से। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखिए,
कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी या फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा है, जब ये प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और तीसरा भी पहले ही की तरह है कि अगर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वो समान कोण पर परावर्तित हो जाती है परावर्तन के नियम से। तो देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तर दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो या आपतित होती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है, और दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वो उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख प्राप्त कर पाए।